नमस्कार, कृषि से जुड़ी जानकारी की दस्तक सीधा किसान के घर तक। स्वागत है आपका पूसा समाचार में। मैं आपके साथ डॉक्टर कपिला शेखावत, वरिष्ठ वैज्ञानिक सस्य विज्ञान, एवं मैं डॉक्टर ज्ञान मिश्रा, प्रधान वैज्ञानिक आनुवंशिकी। शुरू करते हैं आज का खास अंक, जिसमें हम दर्शकों को गाजर में बीज उत्पादन एवं आम में समसामयिक क्रियाओं की जानकारी देंगे। साथ ही साझा करेंगे एक प्रगतिशील किसान की आय वृद्धि की सफल कहानी। पूसा समाचार के माध्यम से विभिन्न प्रदेशों से किसान भाई लगातार अपनी खेती किसानी से जुड़ी समस्याएं हमारे व्हाट्सएप नंबर 9560297502 पर हमें भेज रहे हैं, जिसका समाधान हम पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट में आपसे साझा करेंगे। और इस अंक के अंत में मौसम खबर। हमारे लिए बहुत ही उत्साह एवं हर्ष का विषय है कि पूसा समाचार अब 4 अंक प्रादेशिक भाषाओं तेलुगु, कन्नड़, तमिल एवं उड़िया में भी प्रसारित किए जा रहे हैं। हम दर्शकों से अनुरोध करते हैं कि आप इन अंकों का भी लाभ उठाएं। सब्जियों में बीज उत्पादन करके किसान भाई अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। पूसा समाचार के पिछले कुछ अंकों में हमने आपको गाजर में बीज उत्पादन की विभिन्न तकनीकों के बारे में जानकारी दी थी। जी, और जो किसान भाई गाजर में बीज उत्पादन कर रहे हैं, उन पौधों में अब बीज बनने की अवस्था आ चुकी है। इस समय उन्हें किन समसामयिक क्रियाओं का विशेष ध्यान रखना चाहिए, बता रहे हैं हमारे संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर ज्ञानेंद्र सिंह। बीज उत्पादन में एक तो सीड से सीड मेथड है, और दूसरा है सीड से पहले आप उसकी कंद तैयार कर लें और फिर कंद से आप बीज तैयार करें। तो ये समस्त प्रक्रिया एक सीजनल प्रक्रिया है। इसमें हम क्या करते हैं शुरू में कि जो लाभकारी प्रक्रिया है वो सीड से बीज से कंद और कंद को ट्रांसप्लांट करके जब हम बीज बनाते हैं तो उसमें भौतिक शुद्धता और आनुवंशिक शुद्धता दोनों बनी रहती है। तो आपको पता ही है किसान भाइयों को कि जब गाजर का हम बीज उत्पादन शुरू करते हैं तो पहले बीज से हम नर्सरी तैयार करते हैं। नर्सरी मतलब मेड़ों पे हम गाजरों को कंद तैयार करने के लिए लगाते हैं, और उस समय जब हम लगाते हैं तो ये प्रयास करते हैं कि मेड़ पे अगर हम बुवाई करते हैं तो उससे कंदों का विकास बहुत अच्छा होता है, पानी का निकास समुचित रहे, और जब हम अच्छे कंद बन जाते हैं तो उस समय हम इनको सिलेक्शन करते हैं। और सिलेक्शन करते समय हमें क्या ध्यान देना होता है, संकुल आकार की कोनिकल टाइप हो और एक जैसी हो, उसका जो डाया हो करीब करीब 2 से 2.25 इंच का हो। ये देखिए बहुत सुंदर है, इस तरीके के गाजर का हम चयन करते हैं। इसमें ध्यान में रखते हैं कि दो मुही गाजर को जिसमें दो तरीके के आपस में निकले हुए हों जड़े, उस तरीके का सिलेक्शन नहीं करते हैं। बहुत सी ज्यादा जड़ों वाली गाजर को हम रिजेक्ट करते हैं, नीचे से जड़ और 2 इंच ऊपर से, ये इसका सही तरीका है इसको चयन करने का। और इसको काट लिया तो ऊंचे बेड पे लगाते हैं, और जब ऊंचे बेड पे लगाते हैं तो पानी का बहुत ही कम उपयोग में बहुत बढ़िया क्रॉप होती है। कि वो बेड की चौड़ाई जो है वो करीब 4 फीट की है, और 4 फीट के बाद उसमें 1.5 फीट की नाली निकलती है दोनों तरफ, 6 इंच के करीब ऊंचाई इसकी हो जाती है बेड की। और जो पानी हम जब लगाते हैं तो ये नालियों में जाता है, और जब इसको लगाते हैं तो ध्यान देने की बात यह है कि इसकी समुचित जड़, ये जो भाग है ये पूरा का पूरा इसमें दबना चाहिए और सिर्फ ये बाहर रहेगा। आप देखिए ये बिल्कुल परफेक्ट ढंग से सही ढंग से लग गया। और उसमें जो पौधे से पौधे की दूरी हम 30 के करीब रखते हैं, और लाइन से लाइन की दूरी हम करीब 60 सेंटीमीटर रखते हैं। गाजर में 800 मीटर के दायरे में दूसरी फसल नहीं होनी चाहिए, खासकर गाजर बीज उत्पादन की फसल नहीं होनी चाहिए, और जल का निकास की व्यवस्था ठीक रखें। तो इस तरीके जब हम करते हैं तो हमारा उत्पादन बहुत अच्छा होता है। इसके प्रयास हम बीच में ये भी करते हैं, इसमें रोगिंग करते रहें। अगर कहीं हमको कोई पौधा दिखाई देता है जो कि बोई गई प्रजाति के अतिरिक्त लगता है, तो उसमें कई बार हमको इस तरीके से बांझ पौधे मिलते हैं, इन पौधों को तुरंत निकाल देना चाहिए और इनको फेंक देना चाहिए। या कई बार क्या होता है उसमें वायरस लगा होता है, उन पौधों को उखाड़ लें और नीचे गड्ढों में कहीं दबा दें, तो इस तरीके से जिससे कि हमारे बीज उत्पादन में कोई अशुद्धि ना हो। अगर हम मधुमक्खी की कॉलोनियां रख सकते हैं तो बीज उत्पादन के उसका 10% प्रभाव तो मुख्यतः पड़ता ही पड़ता है। इस तरीके की जब हम फसल देखते हैं तो उसमें करीब 12 से 14 हज़ार गाजरें लगानी पड़ती हैं, इसी दूरी के हिसाब से उसको उत्पादन, और एक क्रॉप एक जैसी होती है। जब ये अम्बल पक जाएं, सुनहरे हो जाएं, एक जैसे हो जाएं, तो इनको तोड़ लेने चाहिए, और जो बहुत छोटा अम्बल नीचे का होता है उसको हम बीज के लिए उपयोग नहीं करते हैं। और इसको तोड़ने के बाद, सुखाने के बाद, इसको जब हम
इसकी रगड़ाई करते हैं तो ये बीज अलग हो जाते हैं और वो ग्रेडिंग करके उसको पैकिंगों में बढ़िया पैकिंगों करके इसका हम बीज उत्पादन ले सकते हैं। एक एकड़ से करीब करीब 2 से 2.5 क्विंटल बीज हमको मिल जाता है। फलों की यदि बात हो तो सर्वप्रथम आम की ही चर्चा होती है। फलों का राजा होने के साथ साथ आम की खेती किसानों के लिए आय सृजन का भी एक उत्तम स्रोत है। अभी आम में फूलों से फल बनने की अवस्था है और अच्छी उपज लेने हेतु इस समय किन समसामयिक क्रियाओं का ध्यान रखना चाहिए, विस्तार से बता रहे हैं हमारे संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर जयप्रकाश। जैसा कि आजकल हम देख रहे हैं कि आम में बहुत अच्छे फूल आए हुए हैं, चारों तरफ आम के पौधों में आपको फूल दिखाई पड़ेंगे। फूल आने से अब फूल समाप्त होने की प्रक्रिया में हम आ गए हैं, धीरे धीरे उसमें फल लग रहे हैं, बहुत सी किस्मों में फल लग गए हैं और फल जो हैं वो मटर के आकार या उससे छोटे आकार के हो रहे हैं। इसी समय हम देखते हैं कि अगले 1 सप्ताह से 2 सप्ताह के बीच में बहुत से फल आपको ज़मीन पर नीचे गिरे हुए मिलेंगे। इन फलों को गिरने से बचाने का रास्ता है ये कि हम उसमें सूक्ष्म पोषक तत्वों का प्रबंधन अच्छे से करें। जब बहुत ज़्यादा फूल आता है और फल लगते हैं तो ऐसे समय में आम के पौधे में ऑक्सीजन हार्मोन की कमी हो जाती है जिसका मुख्य स्रोत जिंक है, और बोरान की भी कमी के चलते फलों का विघटन और उसका बढ़वा रुकता है। ऐसे में हम सूक्ष्म पोषक तत्व जो आजकल बाजार में आसानी से उपलब्ध हैं उनके अलग अलग मिक्सचर अवेलेबल हैं जिसकी 2.5 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर जल में घोल के हम छिड़काव करें, और ये छिड़काव कम से कम हम 10 से 12 दिन के अंतराल पर 3 बार करेंगे तब हम फल के गिरने की समस्या से बच सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आजकल जब बहुत ज़्यादा फूल आए हुए हैं आम में, ऐसे समय में ही बादल आ रहे हैं, हल्की बारिश हो रही है, पाउडी मिल्ड्यू रोग बहुत ही भयानक हो जाता है। हमें पाउडी मिल्ड्यू से बचने के लिए जो रसायन है उनका प्रयोग करना चाहिए, जैसे आपका सल्फर है जो इसका वेजिटेबल पाउडर आता है, सबसे सस्ता सोर्स है, सबसे सस्ता माध्यम है, जिसकी हम 3 ग्राम मात्रा को 1 लीटर जल में घोलकर अगर छिड़काव करें 2 बार तो पाउडी मिल्ड्यू की समस्या से बचा जा सकता है। फूल आने से फल लगने की प्रक्रिया में ही हम देखते हैं कि पाउडी मिल्ड्यू आने के साथ साथ बीच बीच में जो पुष्पक्रम है उसके बीच में एंथ्रेक्नोज नामक बीमारी का भी प्रकोप हो रहा है, तो इस बीमारी के प्रबंधन के लिए आवश्यक है कि हम कार्बेंडाजिम की 1 ग्राम मात्रा को 1 लीटर जल में घोलकर 1 सप्ताह के अंतराल पर 2 बार छिड़काव करें। एक भुंदा कीट है जिसको हम मैंगो हॉपर कहते हैं, उसका प्रकोप ऐसे मौसम में बहुत होता है। मैंगो हॉपर से बचने का तरीका ये है कि आप अपने बाग को बिल्कुल साफ़ सुथरा रखें, खरपतवार बिल्कुल ना रहे, और अगर इसका प्रकोप किसी भी आपको फल वृक्ष में दिखाई पड़ता है, किसी भी पौधे में दिखाई पड़ता है, खास करके पुष्पक्रम के बीच में देखें कि अगर ऐसा कोई कीट बैठ रहा है या उसका जो एक हनी जैसा एक पदार्थ भी निकालता है जो लिसलिसा सा होता है वो पत्तों पर दिखाई पड़ता है, तो इसको मारने के लिए या इसके प्रबंधन के लिए आवश्यक है कि हम थाइमेथोक्सॉम नामक एक दवा आती है, ये नया मॉलिक्यूल है, 1 मिलीलीटर को 3 लीटर जल में मिला के छिड़काव करेंगे तो इस कीट का प्रबंधन कर सकते हैं। अगर हमारे पास ये भी ना हो तो हम डाइमेथोएट जो हमारा एक पुराना पेस्टिसाइड है उसका भी प्रयोग 1 मिलीलीटर प्रति लीटर के हिसाब से कर सकते हैं। इसी समय में कई बार हमको मिलीबग की समस्या आती है। मिलीबग का अच्छा प्रबंधन तो ये होता है कि हम दिसंबर के महीने में ही पॉलीथीन की बैंडिंग कर दें ग्रीस लगा के, ताकि ये कीड़ा पेड़ों के ऊपर चढ़ ना पाए। लेकिन अगर किसी कारण से आप ऐसा नहीं कर पाए हैं, इसके प्रबंधन के लिए आप मेलाथियन की 2 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर जल में घोलकर छिड़काव करें तो इसका प्रबंधन किया सकता है। जब फूल आता है तो बहुत से फूल ऐसे होते हैं जो गुम्मा या गुमछा या गुम्मा स्वरूप में होते हैं, बंच के रूप में होते हैं, उनको हम मैंगो मालफार्मेशन कहते हैं, फ्लोरल मालफार्मेशन। तो जैसे ही फूल से फल लगने की प्रक्रिया पूरी होती है, हमें इन मालफार्म जो पेनिकल्स हैं, पुष्पक्रम हैं, इनको इनके बेस से काट कर अलग कर देना चाहिए और इनको इकट्ठा करके खेत में किसी कोने पे एक गड्ढे में इकट्ठा करके इनको दबा देना चाहिए। जल प्रबंधन के लिए बेहतर हो कि हम अपने खेत में टपक सिंचाई पद्धति रखें, क्योंकि बहुत से बाग बहुत पहले के लगे हैं जहाँ पे सुविधा नहीं है, तो वहाँ पर हम ये कर सकते हैं कि हम रिंग बना के या उसका थाला बना के, बेसिन बना के सिर्फ उसी क्षेत्र में पानी दें। खास करके अगर छोटा पौधा है तो आपको सप्ताह में 1 बार पानी देना चाहिए, अगर बड़ा पौधा है तो आप 10 से 12 दिन के अंतराल पे पानी दे सकते हैं। अनेक किसान भाई खेती किसानी की नवीन तकनीकें अपनाकर और उत्तम उत्पादन लेकर सफल किसान के रूप में अपनी एक अलग पहचान बना रहे हैं। ऐसे किसानों का अनुभव दूसरे किसानों के लिए भी बहुत लाभप्रद होता है। जी, ऐसे ही एक प्रगतिशील किसान है श्री जितेंद्र सिंह जी, जो पूसा संस्थान द्वारा अध्येता किसान पुरस्कार से सम्मानित भी हैं।
ये आज हमें कृषि की विभिन्न नवीन तकनीकों के प्रयोग द्वारा होने वाली आय वृद्धि के बारे में विस्तार पूर्वक बता रहे हैं, आइए सुनते हैं। मैंने जब कृषि कार्य शुरू किया, ये बात 1990 की है, उसमें सबसे पहले हम लोगों का आम एक बड़ी समस्या थी उसको बेचना। उस जमाने में हम लोगों ने अपना टेक्निक लगाया, एक नारा दिया कि पहले ग्रुप फार्मिंग हो, उसके बाद ग्रेडिंग हो, उसके बाद पैकेजिंग हो, तब उसकी मार्केटिंग हो, तो जिसका परिणाम काफ़ी सकारात्मक रहा, उससे हम लोगों को लाभ मिला। फिर आगे बढ़े, उसमें फिर नए नए तकनीक का इस्तेमाल किए, जैसे आम में मल्चिंग का हम लोग इस्तेमाल करने लगे, मल्चिंग से पानी का बचत होने लगा, उसमें खरपतवार का पर नियंत्रण पा सके, ज़मीन की उर्वरा शक्ति बढ़ी और कन्वी मैनेजमेंट से काफ़ी हमें लाभ मिला और आम के उत्पादकता में काफ़ी वृद्धि हुई। उसके बाद हम लोगों के यहाँ भिंडी की खेती बड़े पैमाने पर होती थी, जो पारंपरिक तरीके से होती थी, मैंने उसमें अपना टेक्निक लगाया और भिंडी के सघन खेती शुरू की। सघन खेती में इससे हम लाभ ये हुआ कि जो पहले जहाँ 200 केजी प्रति एकड़ हम पाते थे एक दिन में, वहाँ अभी हमें 550 से 600 केजी हम प्रतिदिन उसमें पा लेते हैं। इतना जरूर ध्यान रहे कि भिंडी एक दिन के अंतराल पर ही उसको तोड़ा जाता है, उसकी तुराई होती है। किसान भाइयों, पूसा संस्थान के कृषि तकनीकी सूचना केंद्र यानी अटीक में धान की विभिन्न उन्नत किस्मों के बीज उपलब्ध हैं। इच्छुक किसान भाई हमारे संस्थान से वांछित बीज खरीद सकते हैं तथा अधिक जानकारी हेतु आप हमें दिखाए जा रहे नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। पूसा समाचार में अब समय है हमारे खास सेगमेंट पूसा व्हाट्सएप सलाह का, जिसमें हम आपके द्वारा भेजी गई खेती किसानी की समस्याओं का समाधान साझा करें। बहराइच उत्तर प्रदेश से सूरज सिंह जी ने गुलदाउदी के पौधों में कीट की समस्या बताई है। आपकी फसल में माहू यानी एफिड का प्रकोप हुआ है, इसके समाधान के लिए इमिडाक्लोपीड की 60 से 70 मिलीलीटर मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ की दर से छिड़काव करें। झज्जर हरियाणा से जगबीर जी ने तरबूज की पत्तियों के जालीनुमा होने की समस्या बताई है। आपकी फसल में रेड पंपकिन बीटल का प्रकोप हुआ दिख रहा है, इसके समाधान हेतु सुबह के समय डाइक्लोरोफॉस या कार्बोसल्फोन की 200 मिलीलीटर मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ की दर से छिड़काव करें। मयूरभंज ओडिशा से अंशुमन सरकार जी ने कटहल के पत्तियों में छोटे छोटे लाल एवं भूरे रंग के धब्बे बनने की समस्या बताई है। आपकी फसल में लीफ स्पॉट रोग का प्रकोप हुआ है और इसके रासायनिक नियंत्रण हेतु हीरोमिल गोल्ड की 2 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। मध्य प्रदेश से अमर संगीत जी ने मूंग में पत्तियों के पीले पड़ने की समस्या बताई है। आपकी फसल में येलो मोज़ेक वायरस रोग का प्रकोप हुआ है और यह रोग कीटों से फैलता है। सबसे पहले प्रभावित पौधों को खेत से निकाल दें और इसके रासायनिक नियंत्रण हेतु इमिडाक्लोपीड की करीब 60 से 65 मिलीलीटर मात्रा 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। आइए सुनते हैं आने वाले 7 दिनों में देश भर में कैसा रहेगा मौसम का हाल। मौसम खबर में भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा दिए गए मौसम पूर्वानुमान के अनुसार अगले 3 से 4 दिनों के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम वर्षा तथा बर्फबारी की संभावना है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश, केरल, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ वर्षा की भी संभावना है। प्रिय किसान भाइयों, बहनों एवं दर्शकों, आशा करते हैं कि पूसा समाचार का यह अंक भी पिछले अन्य अंकों की तरह आपकी खेती किसानी से जुड़ी समस्याओं के समाधान में जरूरी सहायक सिद्ध होगा। आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे संस्थान के चैनल को सब्सक्राइब करें और पूसा समाचार के हर अंक का लाभ उठाएं। हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल को भी जरूर फॉलो करें। कृषि से जुड़ी समस्याएं या अधिक जानकारी हेतु हमें दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें, साथ ही साथ अपना नाम एवं पता अवश्य लिखें। आपके सुझावों और प्रतिक्रियाओं का हमें हमेशा इंतजार रहता है। कृषि की दिशा में यदि लाने हो नवाचार तो देखते रहिए हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पूसा समाचार। कुछ अन्य महत्वपूर्ण विषयों के साथ अगले शनिवार हम फिर हाजिर होंगे। तब तक लेते हैं आपसे विदा। नमस्कार।